नमस्कार। ज्ञान भी वरदान भी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। पितृपक्ष, पितृ और दीपक, बहुत गहरा नाता है। दीपक का वैसे भी हमारे जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे पूरे अंधेरे को छांट देता है एक दीपक की छोटी सी लो, वैसे ही आपकी जिंदगी के सारे कष्टों को दूर कर देता है एक मात्र छोटा सा दीपक। दीपक वो उजाला है जो एक दूसरे के अंतर आत्मा तक पहुंचाता है। हमें हमारे पूर्वजों को दीपक दान देने से बहुत ही प्रसन्नता मिलती है। हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को, पितृलोक से आते हैं लेकिन कुछ दिन ठहरते हैं, फिर पितृलोक जाते हैं। लेकिन हर दिन कहा जाता है अगर आप उनके नाम से दीपक दान करते हैं तो उन्हें बहुत प्रसन्नता मिलती है, उनका मन बहुत तृप्त होता है, उनका मन एकदम शांत होता है और ढेरों आशीर्वाद मिलते हैं फिर आपको। दीपक की जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि खास करके हर दिन ही वैसे आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं पितरों के नाम से। पीपल के नीचे भी आप पितरों के नाम से दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन अमावस्या के टाइम पर, खास करके जो कि 6 अक्टूबर की है, अमावस्या पर आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। वो दीपक प्रज्वलित आप कर सकते हैं दक्षिण मुखी, अपने घर से बाहर के दरवाजे के दक्षिण मुख की तरफ वो लो करते हुए उस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं, जिससे आपके पितर शांत होते हैं, तृप्त होते हैं, उन्हें शांति मिलती है, बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं और आपकी ज़िंदगी के जितना अंधेरा होता है, जो कष्टों का अंधेरा होता है, वो छट जाता है और ढेरों आशीर्वाद दे करके पितृलोक चले जाते हैं आपके पूर्वज, आपके पितर। तो देखा, छोटी सी वीडियो है लेकिन है बड़ी असरदार। जितने भी दिन अभी बचे हैं तो आप अपने घरों में दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिए, पितरों के नाम का दीपक प्रज्वलित कीजिए। पीपल के नीचे आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और अमावस्या की रात में आप दक्षिण मुखी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, आफ्टर सनसेट यानी आफ्टर सूर्य अस्त के बाद। तो ये दीपक का आपके पितरों के साथ गहरा नाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ये वीडियो हर व्यक्ति तक पहुँचनी चाहिए। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा और वीडियो भी शेयर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।